रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? यस और नो? यस वेरी गुड। यस। अच्छा जनाब, तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की? पहली बात ये कि आप सब माशाल्लाह सेकेंड ईयर में आ गए और आज आपकी पहली क्लास हो रही है सेकेंड ईयर की। तो दिस इज समथिंग टू बी हैप्पी अबाउट इट। आपकी जिंदगी का एक बहुत अहम माइलस्टोन अचीव हो रहा है। और दूसरे ये कि आप सेकेंड ईयर अल्लामा में हैं, तो दिस इज ऑल्सो समथिंग फॉर विच वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट यू। तीसरे ये कि आप मेरिटोरियस में, और सबसे अहम बात यह कि इस मुल्क के उन चंद स्टूडेंट्स में हैं जो इतनी जल्दी सही वक्त पर पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। बाकी कौन तो अभी सो रही है। तो एटलीस्ट यू आर नाउ रेडी टू स्टार्ट योर जर्नी। और मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आज क्लास खत्म जब हो जाए आपकी, तो अपने अम्मा अब्बा के पास जाएं और पैसे नहीं मांगे उनसे। अम्मा अब्बा के पास जाएं, अपना सर झुकाएं, उनसे कहें आपके सर पर हाथ फेरें, क्योंकि यू हैव अचीव अ बिग माइलस्टोन ऑफ योर लाइफ टुडे। ठीक है? सो दैट इज फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू ऑल कि वी आर स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी। आप लोग एक नए सफर पर जा रहे हैं विच इज सेकेंड ईयर, एंड सेकेंड ईयर इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिसिसिव ईयर ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर कैरियर। और ये मैं आपको आगे आने वाले दिनों में बताता रहूंगा कि ऐसा कैसे होगा। दूसरी बात ये कि कोविड लॉकडाउन, आजकल आप कोरोना लॉकडाउन में हैं, और ये वो सिचुएशन है जो इससे पहले कभी भी नहीं आई, ना आपकी लाइफ में ना हमारी लाइफ में, और पूरी दुनिया के लिए दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी न्यू, टफ, नो, वेरी वेरी टफ, बहुत ज्यादा मुश्किल सिचुएशन है। लेकिन साथ ही साथ इस मुश्किल सिचुएशन को फेस करके और इसका सही तरीके से मुकाबला करके जो लोग आगे निकलेंगे, आप देखिएगा कि वो बाकी सबसे कहीं ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो इस सिचुएशन को फिलहाल किस तरह हैंडल करना है, दो ऑप्शन है। या तो आप बहुत मायूस रहे हैं, हाय अल्लाह क्या हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम खत्म हो गए, दुनिया खत्म हो रही है, या फिर आप उम्मीद के साथ रहें कि नहीं, दिस इज टेम्पररी, इंशाल्लाह दिस विल बी ओवर और हम एक दफा फिर अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से जी सकेंगे। तो आई थिंक इफ होप्स वर ड्यूप्स फेयर्स में बी लायर्स, तो अगर उम्मीद पूरी नजर होती नजर नहीं आ रही तो खौफ तो बिल्कुल झूठा है। तो फेयर की कोई जरूरत नहीं है, होप की जरूरत है। नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव होना है। डार्कनेस की तरफ नहीं जाना, ब्राइटनेस की तरफ जाना है। हाँ, आप में से हर शख्स का ये फर्ज है, और मैं फिर आपको ये बताऊं एज अ डॉक्टर भी, एज अ टीचर भी, कि आपने सबने बहुत एहतियात करनी है। फॉलो ऑल सेफ्टी स्टेप्स। जब भी घर से बाहर निकलें, अगर बहुत जरूरी हो तो फेस मास्क लगा कर जाएं, डोंट टेक अ रिस्क, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जब भी घर से बाहर जाएं, किसी भी दूसरे शख्स से 6 फीट से कम फासले पे ना हो। अब सारा दिन मास्क भी लगाया हुआ है लोगों ने, कैप भी लगाया हुआ है, दस्ताने भी पहने हुए, और शॉपिंग के लिए गए हुए हैं ग्रोसरी स्टोर में, और पीछे से एक आदमी धक्का मार रहा है, आगे से आप धक्का मार रहे हैं, तो दैट इज नो पॉइंट इन हैविंग अ मास्क ओवर देयर। फिर तो आप कहें हाँ भाई मुझे कोरोना है, मुझे मार। तो प्लीज सेफ्टी प्रिकॉशंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपसे ज्यादा आपके बुजुर्गों के लिए। जो एल्डरली हैं, दे आर एट ग्रेटर रिस्क। तो जब भी जाएं, जहां पे भी जाएं, अव्वल तो कोशिश करें घर से ना निकलें। जब बहुत जरूरी हो, बहुत जरूरी मैं कैसे कहता हूं, बहुत जरूरी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, आपको ग्रोसरी के लिए जाना है, घर के लिए पैसे लेने जाना है, एटीएम मशीन तक जाना है, या दवाएं लेने जाना है, ये बहुत जरूरी है। या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हाँ वॉक पे जाना है, जबकि रश ना हो बाहर, तो यू कैन गो आउट फॉर वॉक। कीप टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, कीप योर सेल्फ वेल नरिश्ड, वेल हाइड्रेटेड। अपने आप को भी, अपने वालिदैन को भी, अपने घर वालों को भी याद दिलाते रहें, क्योंकि देखें ये डिप्रेशन आ जाता है एकदम। बहुत से लोग, ऐसा दौर है कि बहुत से लोग, इवन आपके बुजुर्ग ऐसे होंगे आप देखिएगा, वो डिप्रेशन में जा रहे होंगे, वो घर पे बिस्तर में कोने पे पड़े होंगे, दे डोंट वॉन्ट टू मूव। तो आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हैं उनमें,
और ये आज आपका फर्ज है अब इस दौर में कि आप उनको उठाएं. अब तक वो आपको उठाते थे, अब आपने उनको उठाना है. दिस इज द टाइम वेयर यू कैन प्ले द बेस्ट रोल. तो अगर आप भी डिप्रेस हो गए तो फिर कौन सॉल्व करेगा मसला. तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, कीप देम मोटिवेटेड. एक मशवरा, डू गेट रेडी एवरी डे. रोजाना शावर लें, रोजाना अच्छे अच्छे कपड़े पहने. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और सेल्फी लें, फेसबुक पे लगाएं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यू विल फील गुड अबाउट इट. तो ये आपको एटलीस्ट एक एक्टिविटी है जिससे आप एटलीस्ट जागता हुआ फील करेंगे अपने आप को. तो ये एक्टिविटी करें अपने साथ कि रोजाना आपने अपने आप को तैयार करना है, हल्का फुल्का मेकअप करना है. अब तो लड़के भी मेकअप करने लगे हैं. और उसके बाद सेल्फी लेनी है, आना है. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर मेंटल हेल्थ. वो एक शायर ने कहा था ना, नए कपड़े बदल कर बाहर जाऊं और बाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए. तो भाई आप सब कुछ अपने लिए करें. वही शख्स आप ही हैं और आपने अपने आप को आगे बढ़ाना है, मोटिवेटेड रखना है. तो अपने लिए कपड़े बदलें, अपने लिए बाल बनाएं, अपने लिए सेल्फी लें और अपने लिए उसे फेसबुक पे लगाएं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फिर ऑनलाइन क्लासेस. आज हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं. कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहेंगे, एक दूसरे से दूर बैठ के पढ़ रहे. और बट आज के दौर का सोल्यूशन यही. बहुत से स्टूडेंट्स पूरे मुल्क में, मैं लाखों स्टूडेंट्स को जानता हूं जो इंतजार कर रहे हैं कि जी पेंडेमिक खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन खुल जाएगा, ये कोरोना वरोना कुछ नहीं है, ये सब बेवकूफ बना रहे हैं, ये WHO से पैसे आ रहे हैं. ओ भाई, उस WHO से पैसे आने होते तो वैसे ही आ जाते भाई. तो ऐसा कुछ नहीं है. कोरोना है वो बहुत खतरनाक बीमारी है. खुदा ने खासा जिनको हो रही है उनके लिए जिंदगी इतनी आसान नहीं है. तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ओवर. एटलीस्ट जो अभी नजर आ रहा है, लॉजिकली साइंटिफिकली स्पीकिंग, अगले 3 से 4 माह एटलीस्ट मिनिमम लॉकडाउन नहीं खुल सकता, कम अज कम स्कूलों, कॉलेजों और इंस्टीट्यूट के लिए. दिस इज वाई, बिकॉज जो कुछ नजर आ रहा है, देखें मिरेकल हो जाए अल्लाह ताला की तरफ से, कुन फयकून है. वो तो एक हुक्म देगा, आज रात को होएंगे, सुबह उठेंगे नहीं होगा कोरोना. लेकिन जो लॉजिकली नजर आ रहा है, जो हम अपनी आंखों से या तजर्बे से देख सकते हैं, तो अभी 3-4 महीने तक, इवन अगर कोई वैक्सीन आज कामयाब हो गई, उस वैक्सीन को मासेस में बनने के लिए और लोगों तक पहुंचने में 6 महीने लग जाएंगे. तो कोरोना इज नॉट गोइंग एनीवेयर. अगले 4 महीने 5 महीने में भी 6 महीने आपको उसके साथ जीना है. और आपको सोते नहीं रहना है, बिस्तर पे नहीं पड़े रहना है, बल्कि आपको अपने आप को उठाना है. यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. आपको अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है. तो याद रखिए कि ऑनलाइन क्लास इज द ओनली सोल्यूशन. तो आपके जो कॉन्टेक्ट में लोग हैं उनको भी बताएं कि जागे. दिस इज द टाइम टू स्टार्ट योर स्टडीज. देर इज नो अदर ऑप्शन. यस, इट इज टफ टू टेक ऑनलाइन क्लासेस. इट इज टफ टू फोकस इन योर क्लासेस. स्क्रीन फटीग हो जाता है, इंसान थक जाता है. लेकिन अगर गोल सामने होगा ना, एम सामने होगा ना, तो फिर टफ नहीं रहेगा. आपका एम सक्सेस है, आपका एम आपका करियर है. तो आपको ये याद रखना है कि यू हैव टू कंटिन्यू लुकिंग एट योर फोकस, कंटिन्यू लुकिंग एट योर एम. अगर आप वही रखेंगे सामने तो मुश्किल नहीं होगी. कभी आप पहाड़ी इलाकों में गए घूमने फिरने गए कभी? तो अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मरी गए या नथिया गली गए, तो आपको होता है जी वो फलाना टॉप पे जाना है. तो जब आप टॉप पे चढ़ रहे होते हैं तो बड़ा पसीने आ रहे होते हैं, मुश्किल हो रही होती है, सांस फूल रहा होता है, लेकिन यू स्टिल कंटिन्यू द टफ स्ट्रगल. व्हाई? इसलिए कि आपको पता होता है कि आपकी जो मंजिल है वो बड़ी मजेदार है. तो इस वक्त भी वही सिचुएशन है कि आप पहाड़ी इलाके पे चढ़ रहे हैं और सांस भी फूल रहा है, उलझन भी हो रही है, मुश्किल भी हो रही है, कभी नेट सही नहीं आ रहा, कभी सर की आवाज सही नहीं आ रही, कभी सरी सही नहीं आ रहे. लेकिन इन सब चीजों के साथ आपको जीना है और आपको अपनी मंजिल को फोकस में रखना है. तो मेरा मशवरा ये है आप सबके लिए कि सबसे पहले एक बहुत अच्छा वाईफाई कनेक्शन लीजिए. अगर वो फाइबर कनेक्शन हो, जैसे स्टॉर्म फाइबर वालों का है या PTCL वालों का है, 10 MB की रेंज का रखिए. महंगा जरूर है थोड़ा, लेकिन आई एम टेलिंग यू दिस इज वर्थ द इन्वेस्टमेंट.
आप एक अच्छा वाईफाई लगाएंगे आपको क्लास लेने में उलझन नहीं होगी, आपका खराब वाईफाई होगा बार बार आवाज कटेगी फिर आपको उलझन होगी। तो फर्स्ट हैव अ वेरी गुड वाईफाई कनेक्शन, हैव अ गुड स्पीकर एंड माइक, हैव अ गुड डेस्कटॉप और लैपटॉप इफ यू कैन अफोर्ड, इफ यू कैन नॉट अफोर्ड अ स्मार्टफोन विल डू, बट यू शुड ट्राई टू डू व्हाट बेस्ट यू कैन अरेंज फॉर योरसेल्फ। ये ऐसा ही है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आप अच्छा वाला पेन लें, अच्छा वाला रजिस्टर लें, अच्छी वाली किताबें लें। हाँ, नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर आप किसी का पुराना रजिस्टर भी यूज कर लेते हैं, लेकिन दिस इज वॉट यू मस्ट ऑल अंडरस्टैंड कि आपको अपने लिए अपने आप को तैयार करना है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए ये तमाम चीजें जरूरी है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा, फिर ही नहीं रहे लोग, आवाज आ रही है? आ रही है। शुक्र है, थैंक यू, जजाक अल्लाह। जी, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैंने आपको बता दिया कि फोकस रहना जरूरी है। हाँ, मेक अ स्टडी कॉर्नर अपने घर में, अपने कमरे में, कहां जहां पे भी आप हो, एक कोना बनाएं, वो आपका कोना है, वो आपका गोशा है, सुकून है, वहां एक छोटी सी टेबल डालें, वहां एक चेयर डालें, वहां पर लिखने का इंतजाम हो, राइटिंग का पॉसिबिलिटी हो, और वहां पर आप अपना ये डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी आपने क्लासेस के लिए यूज करना है वो वहां सेट करें। तो एक स्टडी कॉर्नर जरूरी है, नो काउचेस, नो सोफास, नो बेड्स। काफी लोग अभी मुझे बेड पर नजर आ रहे हैं तो मेरा भी दिल चाह रहा है मैं भी लेट जाऊं, लेकिन प्लीज, तो नो काउचेस, नो सोफास, नो बेड्स, आज तो चलेगा लेकिन आगे के लिए ख्याल रखिए। यू नीड टू हैव अ स्टडी कॉर्नर, दिस इज गुड फॉर योर सेल्फ एज वेल। क्लास से पहले एक घंटा पहले फ्रेश हो जाएं, मुमकिन हो तो शावर लें और अच्छा सा मेकअप करें और उसके बाद आप क्लास में आए, ठीक है? साथ में एक पेन होना चाहिए, एक रजिस्टर होना चाहिए आपके पास, रफ रजिस्टर, जिसमें आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है खास पॉइंट जरूर लिखिए। इस चक्कर में ना रहें कि जी वो सर शेयर कर लेंगे, स्क्रीन शेयर हो जाएगी, स्लाइडें मिल जाएंगी, लेकिन जो आप लिखेंगे उसकी बात ही अलग होगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग आप कभी करके देखिएगा, हमारा दिमाग हमारे हाथ के साथ चलता है, जो आप लिखेंगे वो खुद ब खुद दिमाग में ट्रांसमिट होता जाता है, तो नहीं लिखते तो बहुत देर लगती है उसको समझने में। तो साथ साथ लिखिए, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, और हर सब्जेक्ट के लिए अलग रजिस्टर बनाइए। फिजिक्स का मुझे अलग रजिस्टर चाहिए, ठीक है? ऑनलाइन क्लासेस हैं, बट डोंट वरी, हम आपके घर तक भी पहुंच जाएंगे रजिस्टर चेक करने के लिए। तो इस चक्कर में ना जी लॉकडाउन है कौन चेक करेगा, घर पर भी आगे चेक करेंगे, बता रहा हूं मैं आपको। तो रजिस्टर फिजिक्स का मुझे अलग चाहिए, और आपके लिए मशवरा है कि हर सब्जेक्ट का रजिस्टर अलग बनाइए, और जो काम मिले, जो नोट्स डिक्टेट हो या जो नोट्स की शक्ल में मिले, आपको उसे अपनी हैंड राइटिंग में उतारना है। जिस वीक में आप जो काम कर रहे हैं, जो चीज पढ़ रहे हैं, उसी वीक में यू मस्ट राइट इट डाउन इन फेयर हैंड राइटिंग इन योर रजिस्टर ऑफ दैट सब्जेक्ट। और ये मैं किसी और बात इसलिए नहीं कि मुझे शौक है आपसे रजिस्टर बनवाने का, ये खास मैं आपकी बेहतरी के लिए कह रहा हूँ, और आपको इसका अंदाजा साल के आखिर में होगा कि इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू, और आप नहीं करेंगे तो आपका बहुत नुकसान होगा। तो प्लीज मेक अ रजिस्टर फॉर एवरी सब्जेक्ट, ठीक है? अब आते हैं क्लासरूम रूल्स की तरफ। ऑनलाइन क्लासेस के अपने रूल्स होते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस के जो रूल्स हैं उनमें पहला रूल ये कि कैमरा ऑन होगा, ठीक है? अभी आज कुछ लोगों के कैमरा ऑफ है, लेकिन कैमरा ऑन होगा। अब कैमरा ऑन होने के लिए जाहिर है कि आपको अपनी सूरत हाल और सूरत को कुछ बेहतर करना होगा, वो बेहतर करके रखिएगा पहले से। तो कैमरा विल रिमेन ऑन एंड यू हैव टू फेस द कैमरा, ठीक है? ये नहीं कमर करके बैठ जाए पीछे से सर नजर आ रहा है, यू हैव टू फेस द कैमरा सो दैट वी नो व्हाट यू आर डूइंग एंड यू नो व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है? दूसरी बात ये कि माइक्स ऑफ होंगे, क्योंकि अगर माइक्स आपके मल्टीपल लोगों के खुले हों तो फिर सबके लिए एक हमिंग साउंड आना शुरू हो जाती है, तो अपना माइक म्यूट करके रखें। और अगर आपको लॉग इन का बड़ा अहम मसला है कि आप लॉग इन कैसे करेंगे, तो प्लीज लॉग इन सिर्फ अपने नाम से करना है। कोई लॉग इन जो है वो अनोखा लड़का और प्रेशियस डॉल और ये सब नामों से नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? तो आई ओनली वॉन्ट टू रीड योर नेम, नॉट एनी अदर नेम, प्लीज।
तो लॉगिन के लिए अपना नाम इस्तेमाल कीजिए। क्लास के दौरान यू कैन ऑलवेज हैव जूस एंड वाटर, ठीक है, मेरी क्लास में खासतौर पे आप अपने साथ रख सकते हैं, उठ उठ के मत जाइएगा अनलेस कोई इमरजेंसी हो तो, लेकिन अदरवाइज अपने पास ग्लास रखें, जूसेस रखें, आपको जहां लगे हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आप जूस पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, मुझे भी भेज दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिचुएशन है कि हम एक दूसरे से बात कैसे करेंगे, आप तो म्यूट हो गए, अब म्यूट का मतलब ये कि आपकी आवाज़ तो मुझे आएगी नहीं, और आपको कुछ बहुत जोर से बोलना है, बहुत ही जोर से अंदर से आवाज आ रही है कि बोलना है मुझे, ये मैं रुक के हूँ, तो देखिए उसमें तीन चार हम साइन लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, दुनिया में बेचारे आपको पता है गूंगे बहरे लोग होते हैं तो साइन लैंग्वेज यूज करते हैं, तो हम आपस में तय कर लेते हैं साइन लैंग्वेज, मसलन आपको मेरी आवाज नहीं आ रही तो आप ये कर लें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं समझ जाऊंगा क्या हो रहा है, आवाज नहीं आ रही, ठीक है, मसलन में नजर नहीं आ रहा आपको किसी भी वजह से, आप यूं कर लें, तो जब आप ये कर रहे होंगे इसका मतलब मैं आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, मसलन आपको समझ नहीं आ रहा जो सर पढ़ा रहे हैं, किसी वजह से वो टॉपिक समझ नहीं आ रहा, वो बात समझ नहीं आ रही, आप यूं कर लें, समझ रहे, तो यूं करने का मतलब ये कि समझ नहीं आया, और अच्छा समझ आ रहा है तो यूं करें, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन भी है वैसे उस पे स्क्रीन पे, जिसमें आप थम्स अप भी दिखा सकते हैं और क्लैपिंग भी कर सकते हैं, तो अगर आपको बहुत अच्छा समझ आ रहा है तो आप थम्स अप कर दीजिए, यूं कर दीजिए, हमें पता चल जाएगा आपको समझ आ गई ये बात, ठीक है। और जब पूछा जाए हाँ जी समझ आ गया, तो जिसको समझ नहीं आया वो सर पकड़ ले, और जिसको समझ आया है वो थम्स अप कर दे, तो हम एक नजर में देख लेंगे। माशाल्लाह आप सब मुझे नजर आ रहे हैं, आपको आपकी तलाक के लिए अर्ज है कि मैंने ये आपके लिए खासतौर पर 60 इंच का टीवी स्क्रीन लगाया आपको पढ़ाने के लिए, और ताकि आप सब मुझे एक साथ नजर आए, तो ये ना समझिएगा कि हम नजर नहीं आ रहे होंगे, सर दो तीन को देखेंगे एक वक्त में, तो इस वक्त आप सब सुमेरा ढीडी और आमना खान, दुआ नदीम, माहा मरशद, हसन शानी सहानी बलोच, असरा इनाम, दुआ शमसा, सब नजर आ रहे हैं मुझे, आप सब नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये हाफिजा लाइबा और सबा जहरा, सऊद जमाल, हसन सईद, सकीना जहरा, सादिया खुर्रम, यू आर ऑल विजिबल टू मी, ठीक है। और जिन्होंने अभी सिर्फ अपना वो लगाया हुआ है, सिर्फ लोगो लगाया हुआ है, डीपी लगाई हुई है, सुमामा इफ्तिहाज, उवैस अली शाह, मोहम्मद अली यासीन, वजाहत साहब, खदीजा आजम, आप सबकी शक्लें नजर आनी चाहिए मुझे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यस, यहां तक बात समझ आई, ये ऐसे नहीं, हाँ गुड, दिस इज द आंसर, समझ आई या नहीं आई, दिस मीन्स समझ आई, और नहीं आई तो सर पे हाथ रखें, तो मैं देखूं कितनों की समझ आई, हसीब भाई, हाँ गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मेरिटोरियस के क्या रूल्स हैं, कुछ बातें कर लें मेरिटोरियस के रूल्स के। तो देखिए, अब आप मेरिटोरियस में क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला रूल तो ये है कि मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड एंड जीन्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो जीन्स और मोबाइल फोन बिल्कुल इस्तेमाल के नहीं जाते, ओहो अब तो ऑनलाइन क्लासेस हो गई, अब कैसे रोकेंगे, पहले तो सेंटर में मोबाइल अलाउड नहीं था, अब तो पूरा सेंटर ही मोबाइल में आ रहा है आपके, तो मजाक कर रहा था, दैट इज अलाउड, जाहिर है हम क्या करें, कैसे रोकें आपको इस वक्त, तो फिलहाल ये वो टाइम है, देखिए हर चीज का कुछ वो होता है, क्या कहते हैं, हर चीज का एडवांटेज होता है, तो इस वक्त ये एक ऐसा एडवांटेज है कि आप खूब इंजॉय करें, रोज जीन्स पहने, आपके ना सर मना करते थे हमें, अब रोज जीन्स पहन के आए, हर क्लास में जीन्स पहन के आए, और एक दफा खड़े होकर दिखाए कि हमने जीन्स पहनी भी है, ठीक है। तो मोबाइल फोन इज अलाउड, जीन्स इज अलाउड फॉर द फर्स्ट टाइम, हम आपको कह रहे हैं इट इज अलाउड, ठीक है। दूसरा रूल ये है कि अटेंडेंस लेकिन रेगुलर होनी चाहिए, अटेंडेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, तो अगर आपको किसी वजह से अटेंड करना क्लास मुश्किल हो रही है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल है, या आपका किसी वजह से नेट कनेक्ट नहीं हो सका, कोई ऐसी मसला आ गया अचानक, अव्वल तो ये सब आपकी जिम्मेदारी है ये सही होना चाहिए, तो फिर आप उसी दिन अपने जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ उसके एडमिन को मैसेज करेंगे, और खासतौर पर सेकंड या लामा को मैं चाहूंगा कि वो मुझे अलग से मैसेज करें कि सर हमें आज ये प्रॉब्लम हुई थी इसलिए हमने क्लास अटेंड नहीं की। तो नो इन्फो मीन्स वायलेशन ऑफ रूल्स, इन्फो आप देंगे फिर हम उसे सॉल्व करेंगे, तो हाँ कोई अगर जानबूझ के हर क्लास में कह रहा जी आज मेरा नेट नहीं चला, आज मेरा नेट नहीं चला, आज नहीं मेरा, तो हम समझ जाएंगे ये सो रहा था, इसका नेट चल रहा था, तो ये फिर उसके साथ उसी तरह से डील करेंगे, कभी कभी के मसाइल हमें पता है कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो कर सकते हैं कि हम रेगुलर रहें अटेंडेंस के हवाले से, कैन वी डू दैट, यस नो,
ओके गुड। आपको पता है मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं, शायद कहीं सुनी हो आपने, कि इताअत ओबीडियंस तीन तरह की होती है। एक कहलाती है इताअत बिल गर्ज, एक कहलाती है इताअत बिल खौफ, और एक कहलाती है इताअत बिल शौक। सुना आपने? यानी अगर हम अल्लाह ताला को फॉलो करते हैं, ओबीडियंट हैं हम उसके, जो अल्लाह ताला का हुक्म है हम पूरा करते हैं, तो या तो गर्ज की वजह से करते हैं कि जन्नत मिलेगी, बड़े मजे आएंगे आखिरत में, तो दैट्स कॉल्ड इताअत बिल गर्ज, इसलिए नमाज पढ़ लो, इसलिए रोजा रख लो, दैट्स कॉल्ड इताअत बिल गर्ज। या ये डर होता है कि दोजख में जाएंगे अल्लाह ना करे, या कब्र में अजाब होगा, या हशर में अजाब होगा, या लाइफ मुश्किल हो जाएगी, तो इताअत बिल खौफ ये कि जी आप खौफ से, कब्र के खौफ से, हशर के खौफ से इताअत करें अल्लाह ताला की। दोनों इताअतें बहुत अच्छी हैं, लेकिन सबसे अच्छी इताअत क्या है? सबसे अच्छी इताअत है कि आपको अल्लाह ताला से इश्क है, आपको अल्लाह ताला से मोहब्बत है, आपको इताअत करने का शौक है, तो इसलिए आप इताअत करते हैं। तो सबसे अफजल इताअत कौन सी होती है? गर्ज वाली अच्छी है, खौफ वाली भी अच्छी है, लेकिन सबसे अफजल इताअत कौन सी है? इताअत बिल शौक। इसी तरह से तालीम तीन तरह की, एक तालीम बिल गर्ज होती है। तालीम बिल गर्ज क्या है? कि आपको अच्छा रिजल्ट आएगा तो अच्छी डिग्री मिलेगी, तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छे पैसे आएंगे, अच्छा घर होगा, अच्छी जगह शादी होगी, खूब लाइफ मजेदार होगी, दैट्स कॉल्ड तालीम बिल गर्ज। और तालीम बिल खौफ क्या है? कि जी घर पर डांट पड़ेगी, नंबर कम आ गए तो क्या होगा, बेइज्जती होगी, खानदान में क्या बताएंगे, नाम नाक कट जाएगी और सेंटर से सब निकाल देंगे वगैरह वगैरह, तो दैट्स कॉल्ड तालीम बिल खौफ। लेकिन सबसे अफजल तालीम कौन सी है? सबसे बेहतरीन तरीके से तालीम वो है जिसे कहते हैं तालीम बिल शौक। शौक से तालीम हासिल करें, ना गर्ज हो ना खौफ हो, शौक से तालीम हासिल करें। अगर आपको शौक है तालीम हासिल करने का, तो फिर आपको कोई चीज रोक नहीं सकती। फिर कोरोना, लॉकडाउन, ऑनलाइन, ये सब चीजें आपको रास्ता नहीं रोकेंगे। आपका शौक है, आपको पूरा करना है। यू हैव टू हैव अ गुड अटेंडेंस, अ गुड रिकॉर्ड, अ गुड स्टडीज, एंड दैट यू विल अचीव ऑल दिस। तो शौक से तालीम हासिल कीजिए, दैट इज द बेस्ट वे। और मेरिटोरियस के स्टूडेंट्स, मेरिटोरियस के स्टूडेंट्स का रूल है कि दे ऑलवेज गो फॉर तालीम विल शौक। ठीक है, तो डू वी एग्री विद दिस? शुड वी गो फॉर तालीम विल शौक? गुड। और तालीम बिल शौक में आपको शौक भी मिलते हैं कभी कभी, तालीम बिल शौक में थोड़े शौक भी मिलते हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। आपको पता है ना, दुनिया में ये चीज तो आपने सुनी होगी, नो पेन हाँ नो गेन। गुड, नो पेन नो गेन। मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। तो नो पेन नो गेन एंड नो पेन no pain, only then you can know gain। आप तकलीफ उठाएंगे, तकलीफ को जानेंगे, तो फिर आप कुछ हासिल कर सकते। आपने सुना है ना, नो रिस्क नो रिस्क, लो रिस्क लो रिस्क, एंड मोर रिस्क मोर रिस्क। समझ आई बात? ऐसे ही कह रहे हैं, हाँ समझ आए। नो रिस्क नो रिस्क समझ आ गया? क्या बोला मैंने? नो रिस्क नो रिस्क की कोई बात हुई? समझ आ गया? ओ भाई नहीं आया बोले, अब बताता हूं आपको कैसे समझ आएगा। एक रिस्क इंग्लिश वाला, एक उर्दू वाला। नो रिस्क नो रिस्क, ठीक है, एंड लो रिस्क तो लो रिस्क, कम मेहनत करेंगे, कम खतरा लेंगे तो कम रिस्क मिलेगा, you'll get less।
एंड मोर रिस्क, ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा खतरा करेंगे तो ज्यादा मुश्किलात उठाएंगे, तो देन यू कैन एक्सपेक्ट मोर रिस्क, तब जाके आपको ज्यादा मिलेगा। तो अगर ज्यादा हासिल करना है तो फिर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नो रिस्क, नो रिस्क, लो रिस्क, लो रिस्क एंड मोर रिस्क इज मोर रिस्क। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, हमेशा याद रखिए कि मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेहनत का रिजल्ट ना मिले, देर से मिल सकता है लेकिन मिलेगा जरूर। सेकेंड ईयर के रूल्स पर आते हैं। सेकेंड ईयर के रूल्स क्या है? अटेंडेंस का मैंने बता दिया, ठीक है। दूसरा रूल ये है कि मैं आपको फिजिक्स में जो काम दूंगा वो रोज आना 20-30 मिनट से ज्यादा करनी होगा। जब भी मैं क्लास लूंगा तो उसके बाद जो आपका होमवर्क होगा, मतलब होम में ही अभी भी होमवर्क ही हो रहा है, जो हो रहा है वर्क फ्रॉम होम और होमवर्क, तो इस वक्त भी आप होम में ही है लेकिन ऑनलाइन क्लासेस खत्म होने के बाद 2-3 घंटे बाद जो आप होमवर्क करेंगे डेली, वो मैक्सिमम 20-30 मिनट्स का होगा, ये मेरा वादा है। लेकिन आपको ये वादा करना होगा कि आप वो उसी दिन करेंगे। Do we agree or not? Yes or no? Yes. Good. Maham ने नहीं agree किया अभी तक। Maham Arshad? Yes or no? Okay. तो उसी दिन करना होगा, ठीक है। याद रखिए ये जो सेकेंड ईयर की क्लासेज है ना, ये फर्स्ट ईयर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बताए तू, क्योंकि फर्स्ट ईयर का तो एग्जाम ही नहीं हुआ, सेकेंड ईयर का तो होगा, और जो सेकेंड ईयर का एग्जाम होगा उसमें जो मार्क्स आएंगे वही फर्स्ट ईयर में लग जाएंगे। तो जो अभी तक फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं पढ़ रहा था, आराम से था, उसको कहे बोनस का टाइम आ गया, डबल शा, यू कैन मेक इट डबल। जो भी परसेंटेज सेकेंड ईयर में मिलने वाली है वो डबल हो जाएगी आपकी। तो अगर अब तक आपने नहीं पढ़ा था तो अब पढ़ना शुरू कर दें, पर अगर अब तक अच्छा पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छा पढ़ना शुरू कर दें। तो आपको एक साल में, एक साल के इम्तिहान पे 2 साल का रिजल्ट मिलेगा। कहते हैं एक खरीदो दूसरा फ्री, तो ये सेकेंड ईयर का इम्तिहान दे, फर्स्ट ईयर के मार्क्स फ्री में मिलेंगे आपको। तो सेकेंड ईयर इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, यू गेट दिस पॉइंट। तो सेकेंड ईयर में आप अगले 7-8 महीने में जो कुछ करने वाले हैं, जितनी मेहनत करेंगे, that 7-8 months will decide the rest 70-80 years of your life. अब जो आप 7-8 महीने में करने वाले हैं, जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपका करियर डिसाइड होगा। जैसा आपका करियर बनेगा वैसे आपकी लाइफ में सक्सेस होगी, और जैसा आप सक्सेस करेंगे तो आपकी अगली जिंदगी के 70-80 साल इस पर डिपेंड करेंगे। और अगर अभी आपने ये टाइम जाया कर दिया किसी भी वजह से, तो याद रखिए आगे 70-80 साल जो है वो बहुत स्ट्रगल की बन जाएंगे। तो आज मेहनत कीजिए, कल सिला पाइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकेंड ईयर की अहमियत यहाँ पर आपको समझ आ जानी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, सेकेंड ईयर के ज्यादातर सब्जेक्ट जो है वो बड़े कॉन्सेप्चुअल है, थोड़े से मुश्किल है फर्स्ट ईयर के मुकाबले में, सिर्फ इस लिहाज से कि कंटेंट ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल दे आर ऑल वेरी कॉन्सेप्चुअल। एक दफा कॉन्सेप्ट समझ लें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर के बारे में मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, इट्स नॉट दैट टफ, ओनली कंसिस्टेंसी चाहिए। डेली आप हर सब्जेक्ट को आधा घंटा दीजिए, 90 मिनट्स एट योर होम। आई कैन अश्योर यू कि अगर आप पिछले साल तक 70% वाले थे तो इस साल आप 80 वाले हो जाएंगे। सिर्फ Every day give 30 minutes to every subject. और एक दिन में 3 क्लासें होगी, तो 1.5 घंटा आपको होमवर्क करना है। That 1.5 hour every day will give you such an excellent result, I can assure you. तो असल चीज ये है कि consistent रहे। Agreed? यहाँ तक की बातें समझ आ रही है? Yes, no? Good. Very good. अच्छा, मैं आपका क्लास टीचर भी हूँ। वैसे मेरा नाम सफीउद्दीन सिद्दीकी है, डॉक्टर सफीउद्दीन सिद्दीकी, अगर किसी को नहीं पता था तो आप बता रहा हूँ, शुरू में बता देना चाहिए था, सॉरी। और मैं आपका क्लास टीचर भी हूँ, और मैं सेकेंड ईयर अल्लामा को पर्सनली हर सब्जेक्ट के लिए खुद से मॉनिटर करता हूँ, और करूँगा इंशाल्लाह इस साल भी। और किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी किस्म की, वलीदुल्ला समझ आया भाई? वलीदुल्ला देख ही रहे, वो पता नहीं किसको देख रहे हैं, जम्मी आ गई उन्हें डांटते हुए कि उन्हें क्या कर रहा है भाई, उनको पता नहीं होगा आज क्लास लेने बैठा, वो समझ रही होगी पता नहीं कि चैटिंग वैटिंग कर रहा है। तो वलीदुल्ला समझ आ रहा है? हाय, हाँ, हाथ हिला दे शाबाश, गुड।
तो हम ये बता रहे थे कि मैं आई विल बी द मेंटर फॉर यू, आई विल बी द क्लास टीचर फॉर यू, आई विल बी द फिजिक्स टीचर फॉर यू, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट की, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन माई कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है उसको भी मेरा नंबर है, तो आप मुझे अलग से मैसेज करें, इंशाल्लाह उसको सॉल्व करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम के अलावा, कोई हैरानी है, कोई परेशानी है, कोई वीरानी है, कोई दीवानी है, कुछ भी मसला है, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी, और हमारी कोशिश होगी कि आपका वो मसला हल करें। हाँ, मैं बहुत दफा फौरन जवाब नहीं दे पाता हूँ क्योंकि बहुत बिजी होता हूँ, आपको अंदाजा होगा थोड़ा तो, लेकिन मैं 24 आवर्स में जब भी फ्री हूँ, चाहे रात के 3 बजे हूँ, मैं जवाब जरूर दूंगा इंशाल्लाह आपको। हाँ, एक आदत स्टूडेंट्स की है, वो मुझे बहुत तंग करती है, मैं आज आपको पहले बता दूँ, बुरा नहीं मानिएगा। हमारे यहाँ आजकल के स्टूडेंट जो है ना, वो एक मैसेज करते हैं कि जी फॉर एग्जाम्पल आई नीड नोट्स ऑफ फिजिक्स, अच्छा मैसेज कर दिया, मैं कहीं क्लास में हूँ, मीटिंग में हूँ, अच्छा एक मिनट बाद जवाब आएगा, एक और मैसेज आएगा, सर अच्छा चलो कोई बात नहीं, उसके बाद एक मिनट बाद जवाब आएगा, एक और मैसेज आएगा, ये नजर आ रहा है, ये 3 क्वेश्चन मार्क बड़े बड़े, ऐसा ना दिमाग भक्से हो जाता है, ओ भाई सबर चल रहे यार क्या हो गया, तो प्लीज ये नहीं लिखा करें, ये बहुत बदतमीजी बात है, आजकल की कौन को बहुत आदत हो गई है, जहां किसी का जवाब नहीं आया बस 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन मार्क भेज देते हैं, पहली दफा में एक और दूसरी दफा में 3, तो ये 3 तलाकें लगती है, तो ऐसा नहीं किया करें, प्लीज फॉर गॉड से थोड़ा सफर कर लिया करें। तो मैं आपको जवाब जरूर दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन जब भी मैं फ्री हूंगा उस वक्त, ठीक है। और सेकेंड ईयर फिजिक्स में हम आपको बता देंगे, देर आर 10 चैप्टर्स जैसे फर्स्ट ईयर में थे, उन 10 चैप्टर्स के नाम आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, चैप्टर 11 कहलाएगा क्योंकि चैप्टर 10 तक आपकी फर्स्ट ईयर फिजिक्स थी। सेकेंड चैप्टर इज चैप्टर 12 इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर 13 इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 14 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चैप्टर 15 इज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, Chapter 16 is electronics, and chapter 17 से लेके chapter 20 तक, this is part of modern physics, quantum physics, Bohr's theory वगैरह, that's part of modern physics. ये chapters मैंने list इसलिए किए, आप भी list कर लीजिए अपने पास, ये list इसलिए किए कि मैं आपको बता सकूं कि आपके exam में इनको किस proportion से पूछा जाता है, और दूसरे ये कि इन चैप्टर्स में हर चैप्टर का वजन अलग है, यानी वजन अलग से मुराद ये है कि उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं या उसमें जो कंटेंट है वो इक्वल नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए तो ये 2 चैप्टर्स और ये 2 चैप्टर्स, ये 4 चैप्टर मिलके आपके पेपर का 55-60% बनाते हैं, 60% बल्कि आई वुड से 60% प्लस, और ये 5 चैप्टर मिलके मैक्सिमम 25-30% बनाते हैं, और ये चैप्टर जो है ये तकरीबन 15-20% बना, तो 5 चैप्टर 25-30% का मतलब एक चैप्टर 5% बनाता है, और इसी तरह से इन चैप्टर्स को जब पढ़ाया जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर कैन टेक 2.5 मंथ्स, हीट का चैप्टर कैन टेक 2.5 मंथ्स, व्हाई, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन इट, और वो कॉन्सेप्ट्स ग्रेजुअली डेवलप होते हैं, जबकि ये 5 चैप्टर मिलके मुश्किल से 1 महीने में खत्म हो जाते हैं, 5 वीक्स में खत्म हो जाते हैं। तो अभी से इसलिए बता रहा हूं, पहले दिन इसलिए बता रहा हूं कि 4 महीने बाद हमसे लड़ने मत लगिएगा, सर सिर्फ 2 चैप्टर हुए, 4 महीने हो गए, अब क्या होगा, 8 चैप्टर बाकी है, तो वो 8 चैप्टर नहीं बाकी, हमें पता है कि एवरी चैप्टर हैज ए डिफरेंट लाइफ साइकिल, इट टेक्स डिफरेंट टाइम,
एंड इट हैज अ डिफरेंट वेटेज. तो ये वेटेज है 15-20% सवाल इससे आता है इम्तिहान में, 25-30% इससे आता है, 30% इन दो चैप्टर से आता है, और इन पांच चैप्टर से मिला के 25-30% आता है. तो जो अहमियत दो चैप्टर्स की है, इन पांच से भी ज्यादा इन दो चैप्टर्स की अहमियत है. तो और टाइम भी उस हिसाब से लगता है. ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही. इसके बाद आपको 5-10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, जाके जरा एक्सरसाइज कीजिए, जॉगिंग कीजिए, उछल कूद कीजिए, कोई गाना वाना सुने, डांस करें थोड़ा सा, और फिर ताकि सर आमिर की क्लास में या जो भी नेक्स्ट क्लास उसमें फ्रेश होकर आ पाए. कोई बहुत अर्जेंट सवाल है तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आई कैन रिप्लाई टू यू. एनीबडी? नो, ऑल गुड. से समझ नहीं आएगा, हमने साइन लैंग्वेज दी थी आपको. साइन लैंग्वेज पता है, साइन लैंग्वेज सकीना जहरा साइन लैंग्वेज, ये कोई साइन लैंग्वेज नहीं है. सकीना जहरा का साइन लैंग्वेज नहीं आ रही, दांत हिला रही खाली. यस, आप पता चला, गुड. साहू जमाल, यस गुड. असीम शाबाश. आज कोई उदास तो नहीं है, जरा देख लू मैं सबको. आसिम भाई, आसिम हसन, क्या हुआ? यू आर गुड, यस नाइस, ओके, थैंक यू. Good luck. Inshallah, every class we will try to be as energetic as possible. Allah Hafiz.